बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन पैटी बर्गर। चिकन पैटी बर्गर के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमने जो है वो एक अदद जो है वो कुकड़ी ली और उसका कीमा करवाया। और कुकड़ी इस वक्त जो है बहुत ही परेशान हालत में है कि विंदो ने मेरे साथ क्या किया है। ये देखिए, एक अदद कुकड़ी का कीमा, एक प्याली मैंने जो है ये चॉप की, ये फाइन चॉप जो है, ये देखिए फाइन चॉप जो है ये मैंने प्याज लिया। मसालों में जाएगा जनाब एक टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया धनिया पाउडर, और एक टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया सॉल्ट, एक टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने जो है वो कुटी लाल मिर्च का लिया, और हाफ टी स्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर लिया। अब इन सबको जनाब मिक्स करेंगे और फिर जो है हम अपना बर्गर पैटी जो है उसको बनाते हैं। अब जनाब इसको करेंगे मिक्स। पहले डाला हमने अपना ये ऑनियन, फिर बाकी सारे मसाले जो हैं इसमें डाल दिए और इसको अच्छा सा जो है ये मिक्स किया। साथ ही जो है हम करेंगे इसकी पैटी बनाएंगे और इसको जो है फिर करते जाएंगे। तो देखिए अच्छा सा हमने मिक्स किया। अब इसका जो है हम पैटी बनाएंगे। हाथ को किया ग्रीस, ये देखें हल्का सा ऑयल लगाया, ग्रीस किया और इस तरह से हमने ये लिया भर के और इसको जो है बड़ा सा जो है हम जो है वो पैटी बनाएंगे। कोई आपको तंग करे इस मौके पे ठोच पटो मारे। चलो जी ये हो गया। ये देखें कितना बड़ा सा हमने जो है वो बनाया है, अपने हाथ की हथेली से भी बड़ा, ताकि ये अच्छा सा इसमें आ जाएगा। बिस्मिल्लाह। पैन में मैंने ये देखें ये दो टेबल स्पून जो है ये मैंने ऑयल डाला और इसमें मैं जो है वो ये डाला। ठीक, एक और फिर इसी तरह का जो है बना लूंगी मैं। एक गोल सा ऐसे किया और इसको बड़े आराम से, देखिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस इसको प्यार प्यार से मारें भी और प्यार प्यार से दे दें। ठीक, इसको भी उसी तरह से जो है हम बड़ा सा जो है वो इसका पैटी बनाएंगे। ठीक है, और साथ में जो है इसको जो है हम साइड पे करेंगे। इसको किया साइड पे और जनाब इसको डाल दिया इसमें। अब ये एक से दो मिनट के अंदर अंदर जो है ये रेडी हो जाएगा, तब तक जो है मैं बाकी पैटी बनाती हूँ और फिर आपको जो है ना मैं दिखाती हूँ कि इसको, ये देखें मैं नीचे से जो है ना, ये देखें ये हमारा जो है ये लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया, इसको पलटा और दूसरे का वेट करेंगे। दूसरे का भी इसी तरह से जो है ये जब कलर आएगा तो उसको भी मैं उलटा दूँगी और मैं बाकी भी जो है वो पैटी बना के फिर आपसे मिलती हूँ एक मिनट बाद। ये देखें ये मैंने जल्दी से जो है ये चार पांच और मैंने बना लिए और इसके साथ जो है ये मैंने बर्गर बन लिए। ये मेरे पास जो है ये बर्गर सॉस है और ये होममेड है। आप चाहें तो ये बाज़ार से रेडीमेड मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेयोनीज़ है और साथ में इसके जाएंगे ये मैंने स्लाइसेस लिए हुए हैं, ये भी जो है बाज़ार से मिलते हैं चीज़ के, ये भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो ना करें, लेकिन मैं इसमें जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बन लिया, इसको जो है ये लगाई जनाब पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस कह रही हूँ ये वैसे सब में चल जाती है, बर्गर सॉस अच्छा सा इसको लगाया, इसको जो है रखा नीचे और साथ में जो है अच्छी सी जो है मेयोनीज लगाई।
ये भी आप जो है कम ज़्यादा जो है वो अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी इस तरह से लगा के, और फिर जनाब इसमें लगाया जो है बर्गर पैटी रखा, और साथ में इसके ऊपर जो है थोड़ी सी फिर जो है हम ये लगाएंगे सॉस। मुझे ये दिखानी याद नहीं रही है, मैंने थोड़ी कैबेज जो है बंद गोभी जो है ये मैंने काट के रखी हुई है, ये मैं जो है ये लूँगी, ये मैं डालूँगी इसमें। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जो है मायो लगाई, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, हल्की सी लगाई बस कि अच्छा सा जो है ये टेस्ट जो है वो आ जाए। साथ में हम लगाएंगे ये, इसके ऊपर रखा हमने जनाब चीज़ का जो है स्लाइस, फिर रखा अपना ये बन, और इसके ऊपर जो है नहीं इसके ऊपर नहीं इसके अंदर जाएगा, बस ठीक है ये बन गया। इसको हम रखेंगे इधर, इसी तरह से हम दूसरा लेंगे, इसको भी इसी तरह से करेंगे। मायो लगाया, जनाब इसके ऊपर रखेंगे चलिए ये पैटी रख लेते हैं पहले। फिर से जो है ये लगाया हमने सॉस लगाई अपनी, बंद गोभी, इसमें आप चाहें तो कोई भी जो है जैसे रख सकते हैं आप, टमाटर रख सकते हैं और खीरा रख सकते हैं, साथ में इसके जो है आप इसके ऊपर रख सकते हैं, जो भी आपके पास अगर आपको कोई पसंद है वेजिटेबल तो वो आप जो है वो इसमें रखें। और वैसे ये मैं जो आम बर्गर पैटी है जो हमें अच्छी अच्छी जगह पे खाने को मिलती है वो इसी स्टाइल में बनती है, इसलिए मैं इसमें मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। साथ में इसके ऊपर रखेंगे चीज़ स्लाइस, और इसको रखा इधर, इसके ऊपर जो है लगाएंगे हम ये अच्छी तरह से सॉस, क्योंकि ये बड़ी मज़े की सॉस होती है, इसको जो है थोड़ा भर के लगाएंगे तो अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। और जनाब ये देखें इसको रखा इसमें, और ये किया साइड पे, ये हमारे जो है दोनों बर्गर जो हैं ये रेडी, इसको जो है ऐसे किया। अब इसको मैं आपको मेरी पसंदीदा जो है वो काम वो करके दिखाती हूँ, टेस्टिंग टेस्टिंग, ठीक है? तो अब हम जो है इसको पकड़ते हैं और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इसको अब मैं टेस्ट करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यमी सा जो है ना वो देखने से ही पता चल रहा है कि इतना वाह भाई वाह, बड़े ही मज़े की, बाज़ार से बाज़ार जैसी क्या कहना, बाज़ार से भी अच्छी जो है ना वो हमें ये बर्गर पैटी मिली है, और ये एक आपकी तरफ से भी मैं खाऊंगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। बस मैं जो है ना आप इसको बनाएं, इसको जब खाएंगे तो आप जो है खुद से देखें कि मैं कुछ कहना चाह रही थी, ठीक कह रही थी, नहीं ठीक कह रही थी। फिर से वही के दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वो जो घंटी होती है टिक 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 उसको दबाइएगा। उससे ये है कि मेरी
नई आने वाली रेसिपी जो है कोई भी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, और वो भी बिना पैसों के। ठीक है, फ्री में कोई काम बुरा नहीं होता। ओके, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।